दोस्तों आपने मुझसे कई बार पूछा है कि सर आप हमेशा यही बात बोलते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाइए, यूट्यूब पर एक अच्छा वीडियो बनाइए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। अब यार बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हाँ अच्छा वीडियो बनाइए, और ये बात बहुत ही सही है कि आप अगर अच्छा वीडियो बनाएंगे तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अब इसके बाद आपके सवाल बहुत सारे मुझे देखने को मिले कमेंट्स में कि सर ये तो बताइए अच्छा वीडियो कैसे बनाए। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ नॉलेज दी जाए कि अच्छा वीडियो कैसे बनता है। तो अगर यार आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि अच्छा वीडियो कैसे बनता है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और भाई आप अच्छा वीडियो बनाना जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह नॉलेजेबल है, लंबी भी हो सकती है और बोरिंग भी हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग कमेंट में ये लिखे हमको पहले से पता था ये था वो था ये था। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छी वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहे या अच्छी वीडियो क्या होती है, तभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीज है उनको जो पसंद करने वाले लोग हैं वो दो तरीके से पसंद किए जाती है। देखिए पहली बात तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंटेंट हो या कुछ भी, कोई भी वीडियो, आज हम बात करेंगे वीडियो की, तो मैं वीडियो की बात कर देता हूं। कोई भी चीज सामने वाले को पसंद आती है तो पहली बात तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज की सीरत को देख के पसंद करते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को देख के कि उसका क्या जो है कंटेंट है। और दूसरी चीज कुछ लोग हैं जो सिर्फ सूरत को देख के पसंद करते हैं, यानी कि खूबसूरती को। तो ऐसे ही हमारी वीडियो की बात है कि पहली बात तो जो लोग वीडियो में उसकी सीरत को देखते हैं, यानी कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट को देखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी सूरत को देखते हैं, यानी कि उस वीडियो की खूबसूरती को देखते हैं। अब अच्छा वीडियो कौन सा होगा? अच्छा वीडियो वो होगा जिसको सभी लोग पसंद करेंगे, यानी कि हमारे वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। अब बात करें यार क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कंटेंट को हम कैसे अच्छा बनाएंगे। तो जब क्वालिटी की बात आती है तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो यूट्यूब ने ही खुद आपको दे रखा है। देखिए मेरी स्क्रीन पे आपने यूट्यूब देख रखा है, ओपन हुआ पड़ा है, नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है यह हेल्प एंड फीडबैक, और इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर सर्च का ऑप्शन आ जाता है, और यहां पर आप लिखेंगे फॉर्मेट, और यहां पे आप लिखेंगे, और यहां पे वीडियो फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट से भी कई बार ये आ जाता है। चलिए मैं वीडियो फॉर्मेट लिख देता हूं, और यहां पे देखिए एक चीज यहां पे लिखी हुई है कि रिकमेंडेड अपलोड एंड कोडिंग सेटिंग, इसको हम क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। फ्रेम रेट यहां पर दिया हुआ है देखिए आप, और बिट रेट भी आपको यहां पर दिया हुआ है। ये बिट रेट में जाके आप देख सकते हैं, आप फुली डिटेल पढ़ लीजिएगा, सारी मैं पढ़ के बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं साफ लिखा हुआ है कि अगर वीडियो 4K है तो आपकी बिट रेट इतनी होनी चाहिए, वीडियो बिट रेट इतनी होनी चाहिए, अगर 2K है तो इतनी, और 1080p है तो इतनी, और 720p है तो इतनी। ये सारी बिट रेट के बारे में आप यहां से नॉलेज ले सकते हैं। इसके नीचे जब अपन जाएंगे तो HDR के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, और फिर नीचे ऑडियो बिट रेट की नॉलेज भी मिल जाएगी। तो ये तो वो क्वालिटी है जिसको यूट्यूब रिकमेंड करता है, तो आप इस तरीके जो है यहां से चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से वीडियो बनाइए। और मैं यहां पे कहता हूं कि मिनिमम आप यूट्यूब पे 720p वाले रेजोल्यूशन की वीडियो तो बनाइए ही बनाइए। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ लोग जैसे बहुत मैंने ऐसे देखे जो पोर्ट्रेट वीडियो बनाते हैं, खड़ी वीडियो, तो वो यार इंस्टाग्राम टीवी के लिए तो बहुत बेस्ट है, पर यूट्यूब पर आप हमेशा लैंडस्केप मोड पर ही जो है वीडियो बनाइए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हैं, तो यार फ्रंट कैमरे से कभी भी वीडियो ना बनाए, अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो उसके बैक कैमरे से वीडियो बनाए। तो ये वीडियो की कुछ क्वालिटीज है। अब इसमें आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये तो हो गई हमारी वीडियो प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं ऑडियो की। आपकी वीडियो का ऑडियो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यार वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डल चल जाएगी लेकिन ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं चलती है। ऑडियो क्वालिटी का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपने बहुत महंगा माइक खरीद लिया तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको बोलने में हेजिटेशन है, आप लगातार नहीं बोल पा रहे, या फिर जो बात आप कन्वे करना चाह रहे हो वो आपकी ऑडियंस ठीक से कन्वे नहीं हो पा रही, यानी कि आप जो करना चाह रहे हो वो आपका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो रहा, इवन आपकी ऑडियो क्वालिटी खराब है। अब आपको माइक किसमें, मेरे जो पहले वाली वीडियो में मैंने कोई माइक यूज नहीं किया, अभी मैंने माइक लगाया, तो आप कभी भी ये मत समझना कि यार बहुत महंगा हम माइक परचेज कर लेंगे तो हमारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ मानता हूं जब आप महंगा माइक परचेज करते हैं, कोई भी अच्छा माइक परचेज करते हैं
तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन आप मीडियम माइक बोया का भी यूज कर सकते हैं, बोया का काफी अच्छा माइक है और हमारे टेक्निकल गुरुजी सर भी बोया का ही माइक यूज करते हैं और मैं भी बोया का करता हूं और बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं। और अगर आप बोया माइक भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ईयरफोन से भी एक माइक बना सकते हैं, उसका माइक भी अच्छा होता है। मेन बात आती है कि आपकी बोलने की शैली क्या है, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं ऑडियो क्वालिटी की, आपका रहता सर कौन सा माइक यूज करो, भाई माइक की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपकी बोलने की जो शैली है उसको आप ठीक कीजिए। अब वो ठीक कैसे होगी अगर आपकी नहीं है, जैसे कि मैंने बहुत सारे चैनल पर जाके देखा है जिन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे चैनल को रिव्यू कीजिए, मुझे जैसे जैसे समय मिला मैं नए नए लोगों का जो है चैनल देखता रहता हूं, उनको बताता रहता हूं। तो देखिए बात यह है कि आप सीख सकते हो उस चीज को, एक सिंगर होता है वो भी रियाज करता है, तो आप भी रियाज कीजिए और अपनी ऑडियो क्वालिटी को बेटर बनाइए। उसके बाद बात करते हैं वीडियो में लाइटिंग की, तो थोड़ी लाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं तो भाई 3 लाइट का हमेशा प्रयोग करें, क्योंकि कई बार मैंने वीडियोस में देखा है कुछ लोग ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं तो भाई आपने 300 रुपए का ग्रीन स्क्रीन तो मंगा लिया, लेकिन क्या होता है कि आपके जो शरीर है उसके चारों तरफ एक ग्रीन ग्रीन लेयर सी बनी आती है जो काफी अच्छी नहीं लगती है। तो आप उसके लिए 2 लाइट का इस्तेमाल करिए, 2 लाइट सेम होनी चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और एक आपके सर के ऊपर होनी चाहिए, जो 2 लाइट से जो शैडो पीछे बनती है उसको काट देगी और वो शैडो खत्म कर देगी, तो आपका ग्रीन स्क्रीन पे क्रोमा काफी अच्छा लगेगा। और आप अगर ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करते, मेरी तरह पीछे का बैकग्राउंड यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने रूम में एक अच्छी सी लाइट यूज करें। और अगर आप लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते या आप रूम में नहीं करते हैं शूट तो आप छत पे कर सकते हैं, सनलाइट काफी अच्छी होती है। तो ये कुछ बात की हमने वीडियो की क्वालिटी की, अब बात करते हैं उसकी सीरत की यानी कि उसकी क्वालिटी की। तो बात कर ली कंटेंट क्या होना चाहिए, तो देखिए कंटेंट में मैं आपको बता दूं, आप चाहे कुकिंग का चैनल बनाते हो, चाहे आपका कॉमेडी चैनल हो, आपका न्यूज का चैनल हो, कैसा भी चैनल हो, इस पे मैटर नहीं करता, चाहे आपका टैग पे ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे काम कीजिए, अगर आपका बिल्कुल ही नया चैनल है तो हमेशा वीडियो के टॉपिक का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के कीजिए, यानी कि वायरल जो चीजें हो रही है, जो चीजें नई है उन्हीं का भी आप कीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने 20 दिन तक कंटिन्यू नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जो बिल्कुल करंट ही टॉपिक थे लेकिन आपकी वीडियो नहीं चली, लेकिन अब आप जब करंट पे काम करते जा रहे हो तो अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी तो YouTube नए चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करता है, अगर उनकी वीडियो में क्वालिटी अच्छी होती है तो, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो की क्वालिटी के बारे में बताया, तो जरूर से जरूर सपोर्ट करता है और आपकी कोई ना कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगी जिससे आपको सब्सक्राइबर और व्यूज भी मिल जाएंगे। अगर आपका चैनल थोड़ा सा पुराना है तो आप नॉलेजेबल वीडियो भी बना सकते हो, मेरी तरह मैं भी नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं, वायरल टॉपिक पे भी बनाता हूं, ट्रेंडिंग पे भी बनाता हूं, न्यूज भी बनाता हूं और एक्सपेरिमेंट कर देता हूं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई नॉलेजेबल वीडियो बना रहे हैं या किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, भले ही आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, तो आप उस टॉपिक को सबसे पहले सर्च कीजिए यूट्यूब में। जैसे मान लो आपने अगर टैग की बात करें तो किने मास्टर पे कोई वीडियो बनाई और आप जो चीज उसमें समझाना चाह रहे हो वो आपने गूगल में सर्च की या फिर यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल पर मत जाइए, यूट्यूब में आप सर्च कीजिए और देखिए कितनी सारी वीडियो आती है। अगर उसके लाखों पहले से ट्यूटोरियल बने पड़े तो यार आप उसको मत बनाइए, क्योंकि आप थोड़ा स्टार्टिंग में ये कीजिए जिसका कम कंपटीशन हो वो काम कीजिए। उसमें भी अब आप एक चीज कीजिए कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो, भले आप कॉमेडी बनाओ, कुकिंग बनाओ, चाहे आप आलू की सब्जी बनाना ही बता रहे हो वीडियो में, आप जब भी उसको सर्च करेंगे तो ऊपर की जो 5 वीडियो सर्च में आती है आप उन 5 वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं भी यही करता हूं यूट्यूब पे जब भी कोई टॉपिक होता है, क्योंकि देखिए टॉपिक जितने भी टॉपिक है लगभग सब पे वीडियो बन चुकी है और नए टॉपिक बहुत कम है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपका दिमाग है, आपका दिमाग में आइडिया आते हैं तो नए टॉपिक काफी निकल आते हैं, लेकिन फिर भी आप पुराने टॉपिक पे बनाते तो मैं बताता हूं उस पे आपको क्या इंप्रूव करना है। आपने जो टॉपिक पे वीडियो बनाना है उस टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब में। मान लो कॉमेडी वीडियो बनानी है, बेस्ट कॉमेडी वीडियो आपने सर्च किया, कुकिंग की वीडियो बनाने की, आलू की सब्जी कैसे बनेगी उसको सर्च किया, या फिर आपको बताना है कि कमटेसिया पर एडिटिंग ट्यूटोरियल बताइए सर्च किया, तो जो ऊपर 5 वीडियो सर्च में आते हैं यूट्यूब में उन वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि उन वीडियो में आपको देखना क्या है। होगा ये कि जो 5 वीडियो है उनमें 5ों में आपको कुछ चीज ऐसी लगेगी जो 5ों में कॉमन नहीं होगी, यानी कि कुछ नया होगा, जैसे पहले वाले ने कुछ नया अलग बताया होगा, दूसरे वाले ने वो चीज नहीं, मतलब बेसिक तो सबका सेम होगा लेकिन कुछ नई नई चीज होगी। अब आपको 5 चीज पता चल गई, आप अपनी एक वीडियो में वो 5ों चीजें डाल दीजिए, यानी कि आपका एक परफेक्ट कॉम्बो वीडियो बन जाएगा। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपके ऊपर सर्च में 5 वीडियो आ रही है वो आपने वीडियो देख ली, आप उनसे बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करें। अगर आपका कंटेंट उनसे भी ज्यादा बेटर है, आप उनसे ज्यादा रिसर्च कीजिए, तो आपको कोई भी ग्रो करने से नहीं रोक पाएगा। आप कॉमेडी वीडियो बनाते तो भी आप
बेस्ट कॉमेडी वीडियो देखिए, ट्रेंडिंग में वीडियो चलती होती है कॉमेडी, वो देखिए, और देखिए वो किस तरह से बना रहे हैं, उनसे बेस्ट अगर आप बना सकते हैं तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। दूसरा बढ़िया वीडियो बनाने का एक ये भी साधन है कि आप वीडियो फेस कैम बनाओ, ज्यादातर तो यही है कि आप फेस कैम बनाओ, लेकिन किसी का आप कॉपीराइट जो है चीजें यूज ना करें तो बेटर होगा। तो भाइयों यही है कि इसी से ही आपकी अच्छी वीडियो बन सकती है कि आप क्वालिटी का भी ध्यान रखें और कंटेंट का भी ध्यान रखें और अपनी ऑडियो क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और मैं आपको एक चीज बता दूं जो बहुत ही ज्यादा कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर जो मैंने अभी जो YouTube पे जाकर आपको दिखाया था बिटरेट वाला सिस्टम कि सर वो तो हमें पता चल गया कितनी बिटरेट होनी चाहिए, कितना रिजोल्यूशन होना चाहिए, सब हम करेंगे कैसे। तो भाई ये आपका जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो उसमें सारी सेटिंग्स होती है, आप जो भी इस्तेमाल करते हो उसकी सेटिंग्स को यूट्यूब में सर्च करके वीडियो देख लीजिए और इस तरह से आप उसकी वीडियो की क्वालिटी को सुधारिए। तो बस अच्छी वीडियो बनाने का यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई भी इसका जादू मंत्र नहीं है और जो मैं आपको दे दूं इस तरह से आप वीडियो बनाइए। आई होप कि आप सबके चैनल ग्रो करें और ये ट्रिक आपके काफी काम आए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, और यार सब्सक्राइब करते हैं तो बेल जो है नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर से जरूर दबाइए, तभी आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक नए वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।